Hello students, myself Payal Agarwal, your computer teacher. In this video, I will explain lesson number 7, formatting in MS Word. Okay, इसी first topic के हमारा introduction. Introduction में first है formatting. Formatting क्या होती है? By formatting, we can change the appearance of documents and make its look attractive. Formatting की help से क्या करते हैं? जो हमारा documents है, हमने जो documents ready कर रहे हैं, ठीक है? उसमें हम changes कर सकते हैं और उसे बहुत ज़्यादा attractive बना सकते हैं, ठीक है? उसे काफ़ी attractive बना सकते हैं, हम उसमें बहुत सारे changes कर सकते हैं, जैसे हम font size change कर सकते हैं, या फिर आप जो है style change कर सकते हो text का. हमें बहुत सारे option मिल जाते हैं MS Word में अपने documents को attractive बनाने के लिए. इट मेक्स अवर डॉक्यूमेंट्स मोर इफेक्टिव टू. इससे हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होता है. वी कैन इम्प्रूव प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट बाय फॉर्मेटिंग. हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग की हेल्प से अपने डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, वी कैन इम्प्रूव प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय फॉर्मेटिंग इट. उसमें फॉर्मेटिंग करके, उसमें चेंजेस करके हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रेजेंटेशन है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है. नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिंग इफेक्ट. इट इज योर नेक्स्ट हेडिंग. द फॉर्मेटिंग इफेक्ट कैन बी अप्लाई बाय यूजिंग द फॉर्मेटिंग टूल बार बटन. फॉर्मेटिंग इफेक्ट जो है हम कैसे अप्लाई करते हैं? हमें यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार होता है ना हमारा, ठीक है? हमें यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग टूल बार मिल जाता है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं हम, यहाँ आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है, ठीक है? इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बहुत सारे चेंजेस कर लेते हैं. और थ्रू द फॉर्मेट मेनू, और एक हमारा फॉर्मेट मेनू होता है, ठीक है? उसमें भी हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर लेते हैं. फर्स्ट है आपका फॉन्ट टाइप, ठीक है? फॉन्ट का टाइप कैसे चेंज करते हैं हम? अ फॉन्ट इज अ सेट ऑफ लेटर एंड सिंबल्स इन अ पर्टिकुलर डिजाइन एंड साइज. फॉन्ट क्या होता है, ठीक है? फॉन्ट जो होते हैं होता है एक सेट होता है किसका, लेटर और सिंबल्स का एक सेट होता है जिसमें पर्टिकुलर डिजाइन और साइज होते हैं. मतलब उसमें डिजाइन और साइज चेंज होते हैं किसके, लेटर्स और सिंबल्स के, जिनका हम यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में. ईच फॉन्ट हैज अ सेम, फॉन्ट सेम होता है बट उसका डिजाइन चेंज होता है. वर्ड 2010 हैज मैनी इनव्यूड फॉन्ट टाइप. हमारे 2010 जो वर्ड 2010 है एक आपका, ठीक है, उसमें क्या है, बहुत मतलब डिफरेंट टाइप के आपके फॉन्ट टाइप्स हैं. यू कैन सी द प्रीव्यू ऑफ ईच फॉन्ट बाय जस्ट मूविंग द माउस पॉइंटर ओवर इट्स नेम इन द फॉन्ट लिस्ट. बाय सिंगल क्लिक यू सिलेक्ट द टेक्स्ट विल अपीयर इन योर डिजायर्ड फॉन्ट. आप क्या कर सकते हो, आप फॉन्ट पे जाकर वहां पे क्लिक करके, सिंपल क्लिक से आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए अपने टेक्स्ट को, जिसको जिसका आपको फॉन्ट का टाइप आपको चेंज करना है. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लीजिए आप. उसके बाद आप सिंपली माउस पॉइंटर से जाकर आपको जो भी फॉन्ट टाइप चूज करना है उस पर क्लिक करिए, तो आपका जो फॉन्ट टाइप है वो क्या होता है, चेंज जाता है. पिक्चर एडिटिंग टूल इन MS Word 2010 हैज अ आर्टिस्ट इफेक्ट एंड कलर ग्रिड. देखिए यहां पर ये आपका आता है, यहां पर ये आपका क्या हुआ, यहाँ से आपको फॉन्ट्स मिल जाते हैं. आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस टाइप से ये फॉन्ट मेनू हो गया आपका, ठीक है? आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाती है, ठीक है? यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाती है, जैसे अडॉप्ट इस टाइप से यहाँ पर लिखा है ये प्रो बोर्ड. तो आप इसको जब इस पर क्लिक करोगे ना तो आपका जो फॉन्ट है उसका टाइप जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? इसमें क्या होता है, आप इसको चेंज कर सकते हो टाइप. इसमें आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाती है, आप इस पर क्लिक करके देख लीजिए जो आपको सुटेबल लगता है, जो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, आप उस स्टाइल को अपने उस साइज को उस डिजाइन को अपने डॉक्यूमेंट में इजिली यूज कर सकते हो. नेक्स्ट आता है आपका फॉन्ट साइज. हम जो है फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर ये साइज स्मॉल है, फिर थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा है ये, ठीक है? इंक्रीज होता जा रहा है ना साइज यहाँ पर फॉन्ट का. तो आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हो. द साइज ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड द फॉन्ट साइज. जो साइज होता है उस टेक्स्ट का उसको हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट साइज. द साइज ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड द फॉन्ट साइज. इट मेजर इन पॉइंट, देयर आर 72 पॉइंट इन एन इंच, ठीक है? इसका जो साइज होता है इसे हम किस में मेजर करते हैं, पॉइंट्स में मेजर करते हैं. देर आर 72 पॉइंट इन एन इंच. इंच में कितने पॉइंट्स आते हैं आपके, 72 पॉइंट्स आते हैं. तो हम जो ये साइज है पॉइंट के थ्रू बढ़ाते रहते हैं. आप 1-1 पॉइंट बढ़ाते रहिए. देखिए यहाँ पर आप 1-1 पॉइंट्स बना रहे हैं, आप इंक्रीज करते रहिए तो आपके क्या होते हैं, साइज चेंज आते हैं. ये आपको ऑप्शन मिल जाता है देखिए यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे 18 है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करिए, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है ना उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए पहले, जो भी मतलब टेक्स्ट है आपका, सॉरी जो आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है. आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द रिक्वायर पॉइंट साइज.
आप सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और जो भी आप साइज चाहते हैं ठीक है उस पर उस पॉइंट पर आप क्लिक कर दीजिए. यू आर सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी अपेयर इन द पार्टिकुलर फॉन्ट साइज. तो आपका जो टेक्स्ट है उसी फॉन्ट साइज में अपेयर हो जाएगा. देखिए आप यहाँ पे आपने मान लीजिए आपका टेक्स्ट है, आपने इसको सिलेक्ट किया, आप यहाँ पर जाइए हेयर ठीक है, यहाँ पर 1890 ना इस पर आप क्लिक करिए, एरो पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको डिफरेंट साइज मिल जाएंगे, मतलब पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, 1 से स्टार्ट हो जाएगा आपका और आपका 18, 20, 22 इस टाइप से मतलब आपके पॉइंट्स आ जाएंगे, 72 पॉइंट्स तक आते हैं इसमें. तो इंच में, एक इंच में आपके 72 पॉइंट्स आते हैं. तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो आप इसको सिलेक्ट कर लो. जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो इस तरीके से आपके साइज जो है इंक्रीज जाएंगे, जो साइज आप लोगे वही साइज रह जाएगा. ओके नेक्स्ट है फॉन्ट स्टाइल. ठीक है फॉन्ट स्टाइल को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू.